स्वागत है आप सभी का ज्ञापन एकेडमी के इस नए और लेटेस्ट वीडियो में। फाइनली आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th के उर्दू का चैप्टर नंबर 24 से लेकर चैप्टर नंबर 27 तक के जितने भी चैप्टर हैं, इन सभी चैप्टर के सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि सारे के सारे रिटन क्वेश्चन के आंसर को आज के इस वीडियो में कम्प्लीट करने वाले हैं। मतलब कि 24, 25, 26, 27 टोटल चार चैप्टर है ना, चारों चैप्टर से जितना भी क्वेश्चन आप लोगों के बुक में पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चन के आंसर को आज के इस वीडियो में मैं पूर्ण रूप से कंप्लीट करा देने वाली हूँ। ठीक है, वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अंत तक बने रहिएगा और हर एक पॉइंट को ध्यान से समझिएगा ताकि 1% भी डाउट ना हो। और वैसे तो डाउट आप लोग के माइंड में होगा ही नहीं जब अगर आप लोग चैप्टर पढ़े होंगे तब। ऑलरेडी मैं चैप्टर पढ़ा चुकी हूँ, अगर आप लोग चैप्टर पढ़े होंगे तो मुझे पूर्ण विश्वास है, मुझे पूरा यकीन है कि इस चैप्टर में जितना भी क्वेश्चन आंसर है ना, जितना भी क्वेश्चन आंसर आज के इस वीडियो में कराने वाली हूँ, आप लोगों को एक भी क्वेश्चन के आंसर में 1% भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, चैप्टर पढ़े होंगे तब, अगर नहीं पढ़े हैं तो ज़रूर पढ़िए। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दी हूँ, लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप लोग को 1x1 करके सारा वीडियो मिल जाएगा। हर एक चैप्टर को एकदम 1x1 करके विस्तार से समझाई हूँ और पढ़ाई हूँ, तो चैप्टर पढ़ लीजिएगा तब क्वेश्चन आंसर कीजिएगा ताकि बेहतरीन ढंग से समझ में आए। ठीक है, अगर आप लोग पढ़ लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आज के इस वीडियो में जितना भी क्वेश्चन आंसर कराने वाली हूँ, हर एक क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को एकदम बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 24 जो है ना, इसका नाम है गम अरसा, जो कि कतर तारीख है और इसके राइटर हैं अता काकवी। चैप्टर नंबर 25 और 26 को इकट्ठे में एक साथ कहा गया है दो तारीखें, मतलब कि ये भी कतर तारीख ही है। पहला कतर तारीख चैप्टर नंबर 25 को बना दिया गया है और दूसरा कतर तारीख चैप्टर नंबर 26 को बना दिया गया है, यानी कि दो तारीखें में ये जो चैप्टर है, दो तारीखें इसमें दो कतर तारीख है। ठीक है, पहला 25 और दूसरा 26 और इसके राइटर है वाहिद नज़ीर। वैसे देखा जाए तो टोटल तीन कतर तारीख आप लोगों के उर्दू के बुक में पढ़ना है। पहला जो है गमे अरसद, ये भी कतर तारीख है जो कि अता काकवी का लिखा हुआ है। पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया। चैप्टर नंबर 27 का नाम है यारब चमन नज़म को गुलजारे इरम कर, और ये भी क्या है, ये एक मरसिया है। ठीक है, अभी जो स्टूडेंट चैप्टर को नहीं पढ़े हैं उनके माइंड में ये डाउट आ रहा होगा कि आखिर ये कतर तारीख क्या है, मरसिया किसे कहते हैं। तो इसीलिए तो मैं बोल रही हूँ कि पहले चैप्टर पढ़ लीजिए, चैप्टर में आप लोगों को पढ़ाई हूँ और वहाँ पर एकदम विस्तार से बताई हूँ, समझाई हूँ कि कतर तारीख किसे कहते हैं, मरसिया किसे कहते हैं, और हर एक कतर तारीख और मरसिया का तशरीक एकदम बेहतरीन ढंग से करके समझाई हूँ। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि आप लोग चैप्टर पढ़ लें। जो स्टूडेंट पढ़े हैं चैप्टर तो उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं, मतलब कोई डाउट ही नहीं उठ रहा होगा उनके मन में कि कतर तारीख किसे कहते हैं, मरसिया किसे कहते हैं, वो लोग जानते होंगे। और कमेंट में लिखकर बताइएगा कि आप लोग कतर तारीख मतलब जानते हैं कि नहीं, मरसिया किसे कहते हैं, ये आप लोगों को पता है कि नहीं, और मैं आप लोगों को बताई हूँ कि नहीं, कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो ये एक मरसिया है जिसका राइटर है मीर अनीस। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को और हर एक चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को एकदम पूर्ण रूप से कंप्लीट कर लेते हैं। सो नाउ विदाउट एनी डिले लेट्स गो टू स्टार्ट। तो जैसा कि हम लोग देख सकते हैं स्टार्ट हो रहा है आप लोगों का सवाल मुख्तसर तरीन सवालात से, यानी कि वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोगों को एक ही लफ्ज में लिख देना होता है। तो सबसे पहला सवाल है कि बाग बहार के आदाद बताइए, अदद जो होता है ना संख्या, बाग बहार में कितने अदद हैं, ये आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पर डायरेक्ट बता दिया गया है जवाब में। वैसे अदद निकालने का भी तरीका होता है, वो अगर आप लोग कहेंगे तो फिर मैं आप लोग को अदद निकालना भी बता दूंगी, कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और वैसे ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन हाँ पूछ देता है, अदद से एक क्वेश्चन जरूर आता है, कोई भी एक लफ्ज़ उठा देगा और बोलेगा कि बताइए इसका अदद मतलब आदाद बताइए। ठीक है, अदद कितना है, जैसा कि यहाँ पर सवाल पूछा है बाग बहार के आदाद बताइए, तो बाग बहार का अदद जो होता है ना वो 1226 होता है। उसी तरह मोहम्मद के आदाद बताइए, मोहम्मद जो ये लफ्ज़ है ना इसका अदद बताना है तो इसका 92 होता है। ठीक है, उसी तरह जो किस तादाद के बराबर है, तो जो 900 के बराबर होता है। अलिफ बे पे ते इस तरह जो होता है ना, इस हर एक हर्फ का अपना एक अदद होता है और उसी हिसाब से किसी भी लफ्ज़ का अदद निकाला जाता है। जैसे कि एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, पूछा गया है कि अरशद किस अदद के बराबर है, ऑप्शन में दे देगा 896, 500, 505। ठीक है, और यहाँ पर सही जवाब क्या होगा, अरशद 505 अदद के बराबर होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जिस भी ऑप्शन ने दिखाई देगा आप लोगों को 505 उसको टिक कर देना है। इसी तरह से आप लोगों के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और याद रखिएगा अदद से एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा। ठीक है, पांचवा सवाल, अशरफ कादरी किस अदद के बराबर है। ठीक है, तो अशरफ कादरी जो है ना 896
अदद के बराबर है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से जो सबसे पहला कतल है, या फिर आप यूँ कह सकते हैं चैप्टर नंबर 24, पहला कतल तारीख गम अरसद, जो कि अता कातकवी का लिखा हुआ है, तो उनका उस चैप्टर से क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं फटाफट। क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वो हर एक क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए, मुख्तसर सवालात हैं, शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस, जिसका आंसर आप लोगों को 5 नहीं तो 6 लाइन में लिख देना होता है। तो सबसे पहला सवाल देखिए क्या बोल रहा है। सबसे पहला सवाल है कि अता काकवी ने कतल तारीख गम अरशद किसकी मौत पर लिखी है। बहुत ही आसान है, चैप्टर पढ़े हैं तो आप लोग तो खुद से ही आंसर लिख पाएंगे, मुझे पूरा यकीन है। जवाब देख लेते हैं वैसे कि जवाब में क्या लिखा गया है, और क्वेश्चन आंसर मैं इसीलिए कराती हूँ ताकि आप लोग जवाब को पढ़कर ये समझ सके कि लफ्ज़ों को सजा कर किस तरह से लिखा जाता है। तो लफ्ज़ों को पकड़ने की कोशिश कीजिएगा कि हाँ लफ्ज़ों को सजा कर किस तरह से जवाब लिखा गया है। ठीक है, चलिए जवाब में पढ़ती हूँ। लिखा है कि गम अरशद अता काकवी का ऐसा कत्ल तारीख है जो उन्होंने अपने जवां साल बेटे अरशद काकवी की मौत पर लिखा है। आखिरी शेर के अलावा सभी अशार में मरहूम की खूबियाँ बयान की गई है। आखिरी शेर के सानी मिसरे में साले वफात जाहिर किया गया है। देखिए कितने अच्छे तरीके से लफ्ज़ों को सजा कर लिखा गया है। यहाँ पर क्या क्वेश्चन था कि अता काकवी ने कत्ल तारीख गम अरशद किसकी मौत पर लिखा है। तो अता काकवी जो है ना, वो अपने जवान बेटे जिनका नाम रहता है अरशद काकवी के मौत पर लिखे रहते हैं, और आखिरी शेर के अलावा बाकी जितने भी अशार हैं ना उसमें अपने बेटे की खूबियों को बयान किए हैं, और आखिरी शेर के सानी मिसरे में साले वफात जाहिर किए, यानी कि वफात किस साल मौत हुई उनकी बेटे की वो बताए हैं। ठीक है, दूसरा सवाल, अरशद काकवी और अता काकवी में क्या रिश्ता है। तो अरशद काकवी और अता काकवी में बाप बेटे का रिश्ता था, यानी अरशद काकवी मरहूम बेटा था और अता काकवी उनके बाप थे। ठीक है, तीसरा सवाल कि जब अरशद काकवी की वफ़ात हुई तो वह कितने साल के थे। तो जब अरशद काकवी की वफ़ात हुई तो वह 34 साल के थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ऑब्जेक्टिव में पूछा गया था। चौथा सवाल है कि गम अरशद में अरशद के दो बेटों का भी जिक्र है, दोनों के नाम बताइए। तो अरशद के दोनों बेटों का नाम जमील वकील है, ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा गया था। ठीक है, अब जहाँ से जिस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है वो मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ, याद रखिएगा। और ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, 2-3 बार ये पूछा गया है क्वेश्चन, अता काकवी ने कतल तारीख गम अरशद किसकी मौत पर लिखा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पांचवा सवाल, शायर सरे अलम मिलाकर कितने अदद का इजाफा किया है। तो शायर अता काकवी ने सरे अलम मिलाकर 1 अदद का इजाफा किया है, यानी कि 1381 में 1 का इजाफा करके 1382 हिजरी बनाया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा कत्ल तारीख यानी कि चैप्टर नंबर 25 और 26। ठीक है, चैप्टर नंबर 25 है, ये दूसरा कत्ल तारीख है, तो ये समझिए कि ये चैप्टर नंबर 25 है। चलिए देखते हैं इससे सवाल क्या पूछा जा रहा है। पहला सवाल है कि अशरफ कादरी की रुहलत किस साल हुई। तो अशरफ कादरी की रुहलत जो है ना 1998 ईस्वी में हुई थी। दूसरा सवाल, वाहिद नज़ीर ने इस कत्ल तारीख में मरहूम की 3 खूबियों का जिक्र किया है, उन खूबियों को बयान कीजिए। तो देखिए जवाब में लिखा है कि वाहिद नज़ीर ने इस कत्ल तारीख में शेर के एक मिसरे से मरहूम की 3 खूबियों का जिक्र किया है। साई जमहूरी अशरफ शायर व कानून दा, इस मिसरे में अशरफ कादरी मरहूम की 3 खूबियां बयान की गई हैं। अशरफ कादरी द्वारा मरहूम की 3 खूबियां बयान की गई है, यानी अशरफ कादरी मरहूम बैक वक्त मुजाहिद, आज़ादी शायर और वकील भी थे। ठीक है, ये हो गया जवाब, मतलब शायर भी थे, कानूनदा भी थे। ठीक है, तीसरा सवाल, कादरी से किस बुज़ुर्ग की निस्बत जाहिर होती है। तो लफ्ज़ कादरी से गौश पाक हज़रत मुहीउद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की निस्बत जाहिर होती है। ठीक है, चौथा सवाल, कानूनदा को उर्फ़ आम में क्या कहते हैं। तो कानूनदा को उर्फ़ आम में वकील कहते हैं, वकील को ही कानूनदा कहा जाता है। तो ये चैप्टर नंबर 25 हो गया। अब ये है चैप्टर नंबर 26 यानी कि तीसरा कत्ल तारीख। पहला सवाल कि मौलाना निज़ामुद्दीन से मुताल्लुक कत्ल तारीख किस मौके से कहा गया है। तो मौलाना निज़ामुद्दीन जो है से मुताल्लुक कत्ल तारीख जो है उनके अमीर शरीयत बनने की मौके से कहा गया है, यानी कि जब मौलाना निज़ामुद्दीन जो है ना अमीर शरीयत बने थे उस वक्त के मौके को दर्शाया गया है।
क़त्ल तारीख में। दूसरा सवाल है कि इस क़त्ल तारीख के शायर का नाम बताइए, तो इस क़त्ल तारीख के शायर का नाम अब्दुल वाहिद और कलमी नाम वाहिद नज़ीर है। ठीक है, मौलाना निज़ामुद्दीन किस साल अमीर शरीयत मुंतखब हुए, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है। मौलाना निज़ामुद्दीन जो है ना 1999 ईस्वी में अमीर शरीयत बनाए गए थे। ठीक है, चौथा सवाल कि मीनार तस्कीन से क्या मुराद है, तो मीनार तस्कीन से मुराद तसल्ली कैस्तून यानी कि मिल्लत इस्लामिया के लिए ढारस और तसल्ली मुराद है। ठीक है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, मीनार तस्कीन ही ऑब्जेक्टिव में पूछा गया था, एक बार पूछा गया है मात्र, और हो सकता है कि आप लोगों के एग्ज़ाम में भी पूछ दे कि मीनार तस्कीन से क्या मुराद है, ऑप्शन में दिया रहेगा तसल्ली का स्तून। ठीक है, तवील सवालात स्टार्ट हो रहा है, यानी कि लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस जिसका आंसर आप लोग एक पेज में देख सकते हैं, नहीं तो डेढ़ पेज में लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पहला सवाल है कि तारीख गोई से मुताल्लुक अपनी वाकफियत का इजहार कीजिए। जवाब में लिखा हुआ है कि तारीख गोई एक फ़न है, क्योंकि क़द्र तारीख में तारीख़ी वाक़ात को ही ना पेश किया जाता है, जो वाक़या बीत चुका है उसी बीते हुए वाक़े को क़द्र तारीख में लिखा जाता है। ठीक है, तो वही बात बोला जा रहा है कि तारीख गोई से मुताल्लिक अपने वाकफियत का इज़हार कीजिए। जवाब में लिखा है तारीख गोई एक फ़न है और सिनफी लिहाज से शायरी के ज़ुमरे में आता है। तारीख गोई उन्हीं ज़ुबानों के शायरी में राइज है जो ज़ुबान अरबी रस्मुलख़त में लिखी जाती हैं। वलादत शादी वफात अहम किताबों की तसनीफ़ बादशाहों की तख्त नशीनी फतूहत खिताब याबी किसी अहम मनसब पर मामूरियत और इमारत की तामीर वगैरह गोया इंसानी माशरे की हर तरफ के अहम वाक़ात के साल को महफूज रखना इस फ़न का बुनियादी मकसद है। एक कामयाब क़द्र तारीख की खूबी यह है कि इससे मुतालिक वाक़े की वजाहत भी हो जाए और उसके आदाद जोड़ने से वाक़े का साल भी बरामद हो जाए। इस फ़न के ज़रिए तारीख को ऐसा मिसरा जुमला या फ़िक्र तरतीब देता है जिसके हरूफ के आदाद जोड़ने से उस साल की तारीख बरामद हो जाती है। यानी कि तारीख एक कामयाब क़द्र तारीख की क्या खूबी है, एक कामयाब क़द्र तारीख की यही खूबी है कि जब उसका आखिरी मिसरा जो है ना उसके अगर हरूफ को जोड़ा जाए ना तो हरूफ के अदद जोड़े जाएँ तो अदद जोड़ने के बाद साल मतलब जोड़ने के बाद साल वफात निकल जाए, यानी कि किस साल उस इंसान की मौत हुई थी वो साल निकल आए। ये सबसे बड़ी खूबी होती है क़द्र तारीख की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल, तारीख गोई की अदबी और तारीखी अहमियत पर एक नोट लिखिए। तारीख गोई की अदबी और तारीखी अहमियत पर एक नोट लिखना है, चलिए देखते हैं। जवाब में लिखा हुआ है कि उर्दू शायरी में तारीख गोई की रिवायत देगर इसनाफ़ शायरी की तरफ फारसी से आई है। उर्दू शायरी में तारीख गोई यानी कि क़द्र तारीख लिखने की रिवायत जो है ना वो फ़ारसी से आई हुई है, और फारसी शायरी में इस फ़न की इब्तदा कब और किस वाक़े से हुई इसकी तहकीक अभी तक नहीं हो सकी है। बाज़ मुहक़्क़िक़ीन का ख्याल है कि फ़ारसी में तारीख गोई की इब्तदाई नमूने की तलाश सलजूकी दौर यानी 10वीं या 12वीं सदी ईस्वी में करनी चाहिए। जाहिर है कि उर्दू शायरी की परवान चढ़ने तक यह सिर्फ बेहद बालिदा हो चुकी थी। यही वजह है कि तारीख गोई के नमूने उर्दू के क्लासिकी शुरा के यहाँ भी मौजूद हैं। अरबी ज़ुबान में अलिफ से ये तक तमाम हरूफ के अदाद मुतायीन हैं। इसके तमाम हरूफ का 8 कलमात अबजद मतलब ये याद रखने का ट्रिक है। ठीक है, जितने भी अलिफ से लेकर बड़ी ये तक जितने भी हैं मतलब हर्फ उसको याद रखने का यहाँ पर एक ट्रिक बता दिया गया है। ठीक है, के नाम से भी ये तकसीम कर दिया गया है, जितने भी अलिफ से लेकर ये तक हर्फ है ना उसको याद उसके अदद याद रखने का ये आप यूँ कह सकते हैं कि ट्रिक बना दिया गया है। वैसे मैं बोल रही हूँ कि अगर आप लोग कहेंगे तो मैं अलग से एक वीडियो बना दूँगी अदद निकालने का और फिर अदद को याद रखने का हर एक हर्फ का, तो आप लोग कहेंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मैं बना सकती हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका पहला हिस्सा चूंकि अबजद है इसलिए इसे हिसाब अबजदी के नाम से भी जाना जाता है। हिसाब अबजदी का दूसरा नाम हिसाब जमल है। मज़कूरा 8 कलमों में अरबी हरूफ तहजी के भी 28 हरूफ शामिल हैं। इस तरह हम देखते हैं कि तारीख गोई के तहत इन हरूफ की तादाद मुतय्यन है, इसलिए तारीखी गोई की तारीखी हैसियत के साथ अदबी हैसियत भी मुसल्लम है। ठीक है,
ये हो गया आंसर। तीसरा सवाल देखते हैं, कतः तारीख की तारीफ़ करते हुए शामिल निसाब किसी एक कतः का जायज़ा लीजिए। अब आप लोगों को कतः तारीख की तारीफ़ करना है, बताना है कि कतः तारीख किसे कहते हैं। तारीफ़ करने के बाद आप लोगों के बुक में जितने भी कतः तारीख है उनमें से कोई एक कतः का जायज़ा लेना है। कतः तारीख का जायज़ा यानी कि ओवरव्यू करना है। तो जवाब में देखते हैं, जब किसी ख़ास वाक़े या किसी ख़ास शख्स की ज़िंदगी में कोई ख़ास वाक़े पेश आ जाए, जैसे कि शादी, ठीक है, या फिर कोई मनसब मिलना, या किसी के शादी या वफात के मौके पर किसी मिसरे या शेर के ज़रिए इस मखसूस वाक़े का सन निकाला जाता है, इसे कतः तारीख कहते हैं। मतलब ये कहा जा रहा है कि किसी ख़ास वाक्य या किसी ख़ास शख्स की ज़िंदगी में कोई ख़ास वाक्य पेश आ गया हो, कोई घटना घटी हो जो कि अच्छा भी हो या फिर बुरा भी हो, मतलब जैसा भी कोई ख़ास घटना होना चाहिए जो कि बीत चुका हो, जैसे कि शादी हो गया, किसी की वफात हो गई, तो इस तरह के मौके को जो है ना शेर व शायरी के अंदाज़ में लिखकर बयान कर देना ही कतः तारीख होता है। कतः तारीख मतलब क्या, तारीखी वाक़यात को बयान करना शेर व शायरी के अंदाज़ में लिखकर, उसको क्या कहते हैं, कतः तारीख। तारीख हरूफ की अबजदी आदाद के हिसाब से निकाला जाता है, यानी कि इन मिसरों के हरूफ के अबजदी आदाद को अगर जोड़ा जाए तो वह सन निकलेगा जिस साल में वह मखसूस वाक़ पेश आया है। शामिल निसाब अता काकवी गम अरशद एक मशहूर कतः तारीख है। गम अरशद अता काकवी का एक ऐसा कतः तारीख है जो उन्होंने अपने जवा साल बेटे अरशद काकवी की मौत पर लिखा है, जिसमें आखिरी शेर के अलावा तमाम अशार में अरशद मरहूम की खूबियाँ बयान की गई है और आखिरी शेर के सानी मिसरे में साल वफात ज़ाहिर किया गया है। देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पर सबसे पहले कतः तारीख की तारीफ़ कर दी गई है, बताया गया है कि कतः तारीख किसे कहते हैं, उसके बाद से जैसा कि क्वेश्चन में पूछा गया था कि एक कतः का जायज़ा भी लेना है, तो एक कतः तारीख गम अरशद उठाकर उसका ओवरव्यू कर दिया गया है कि आखिर उस कतः तारीख में बताया क्या गया है। कतः तारीख में आमतौर से मुकम्मल मिसरे के आदाद से तारीख बरामद की जाती है। यहाँ शायर ने मिसरे के एक टुकड़े गम फरजन से तारीख निकाली है, और चूँकि गम फरजन से 1381 हिजरी बरामद होता है और अरशद काकवी की मौत 1382 हिजरी में वाकई हुई, इसीलिए शायर ने तामिया से काम लिया है, सर एलम को मिलाकर किया गम फरजन। सर एलम यानी कि अलम का सर अलिफ गम अरशद में मिलाने का इशारा देकर शायर ने अलिफ के अलावा अदद को गम फरजंद के आदाद 1381 हिजरी में दाखिल करके 1382 हिजरी तारीख निकाली है। ठीक है, चार नंबर सवाल कि अता काकवी की हालात ज़िंदगी पर रोशनी डालिए। तो जवाब में लिखा है कि अता काकवी का असल नाम सैयद शाह अताउर रहमान था। 17 सितंबर 1904 ईस्वी को वह बिहार के मर्दुमखेज गांव काको में पैदा हुए। अदबी दुनिया में अता काकवी के नाम से मशहूर हुए थे। पटना यूनिवर्सिटी से उर्दू और फारसी में एमए किया और बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर में प्रोफेसर हुए। फिर अदारा तहकीकात अरबी व फारसी के पटना के डायरेक्टर हुए। सदर जमहूरिया हिंद के तरफ से उन्हें सर्टिफिकेट ऑफ ऑनर के खिताब से नवाजा गया। 8 मार्च 1998 को पटना में इनका इंतकाल हो गया। तो ये अता काकवी की हालात और ज़िंदगी के बारे में बताया गया है, यहाँ पर लिखा गया है। अता काकवी को उर्दू व फारसी अदब के रमज शनासों में शुमार किया जाता है। तनकीद व तहकीकी शायरी, तारीख नवेसी जैसी इसनाफ पर उन्होंने कई किताबें तसनीफ़ की। मुताले हसरत, तनकीदी मुताले और तकाबली मुताले इनकी तनकीदी तसनीफ़ हैं और तसनीफ़ात हैं। जमाल गज़ल और साकी नामा वगैरह उनकी शेरी तसानीफ़ है। तहकीकी मुताले के नाम से उनके 19 तहकीकी मजामीन का एक इंतखाब 1965 ईस्वी में शाये हुआ। 10 गज़लों गज़ल गो शायरों का इंतखाब में खाने तय गज़ल के नाम से शाये हुआ। मिर्ज़ा अब्दुल क़ादिर बैदल की हयात व खिदमात पर उनका किताब हैरतज़ार अहमियत के हामिल है। उन्होंने रिसाला सफ़ीना भी जारी किया जिसके मुतादद खसूसी शुमार दस्तावेज़ी अहमियत के हामिल फराज पाएँ। अता काकवी की एक हैसियत तारीख गोई की भी है। उन्होंने एक तवील मुद्दत तक शायरों, अदीबों या अपने ज़माने की मोहतबर शख्सियात की साने अरतहाल पर मुतादद तारीखें कहीं जो मुल्क के अहम मसाइल व जराइद में शाये होती रहीं। कदीम अदब पर उनकी माहराना दस्तर थी और वह उर्दू फारसी की क्लासिकी सुरमाए के गहरे वाकिफ़कार थे।
पांचवा सवाल कि वाहिद नज़ीर की क़दात तारीख का अमूमी जायज़ा लीजिए। वाहिद नज़ीर, अज़ीमाबाद के सरज़मीन पर जदीद दौर के उभरते हुए शुरा में वाहिद नज़ीर को एक अहम मुकाम हासिल है। वाहिद नज़ीर बैक वक्त शायर, मुहक्किक और नक्काद भी हैं। फ़ारसी, अरबी और उर्दू ज़बान के इल्मे सरमाए पर गहरी नज़र रखते हैं। उन्होंने तारीख गोई में अपनी शनाख्त कायम की है। नई नस्ल के लोगों में शायद ही कोई दूसरा मिले जिसे इस कदीम फ़न पर इतनी गहरी दिलचस्पी हो। ठीक है, ज़ेर निसाब क़तात तारीख में वाहिद नज़ीर का एक कदर तारीख अशरफ कादरी की वफ़ात पर शामिल है। इसमें उन्होंने ज़िंदगी का एक फ़लसफ़ा बयान किया है कि ज़िंदगी की छत मौत की बुनियाद पर कायम है। इस फ़लसफ़े को बयान करने के लिए दलील के तौर पर कुरानी आयत का एक टुकड़ा उन्होंने शेर में बांधा है। दूसरे शेर में मौत के हकीकत का एतराफ़ करते हुए यह बात कही गई है कि पैगंबर, बादशाह और फ़कीर जो भी ज़ीरू है उसे मौत का मज़ा चखना है। ठीक है, ये सारी बात जो है ना क़त्ल तारीख में जो वाहिद नज़ीर लिखे हैं उसी बात को यहाँ पर बताया जा रहा है। फिर इस क़त्ल तारीख में शायर ने अशरफ़ कादरी की मरहूम खूबियाँ बयान करते हुए मरहूम की ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलुओं की तरफ भी इशारा किए हैं कि एक मिसरा साई जमहूरी अशरफ शायर व कानून दा में महरूम की तीन खसूसियत बयान की गई है। वो मुजाहिद, आज़ादी भी थे, शायर भी और कानून दा भी थे। इसी तरह हिजरी मादम तारीख ही कही अशरफ कादरी हमसाया कादिर बने। 1419 हिजरी में उनके सिलसिले के तरफ इशारा किया है। ऐसे क़त्ल तारीख के नमूने उर्दू शायरी में मौजूद हैं जिनके सभी मिसरों से तारीख बरामद होती है। इस क़त्ल तारीख में वाहिद नज़ीर ने दो मिसरों से तारीख बरामद की है। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसका आंसर हो गया। छठा क्वेश्चन कि क़त्ल तारीख में मखरजा का इस्तेमाल कब होता है, टाइमिया किसे कहते हैं, यह आप लोगों को बताना है। जवाब में लिखा है कि क़त्ल तारीख के सिलसिले में एक बात याद रखना चाहिए कि हर मादे तारीख मुकम्मल हो यह ज़रूरी नहीं। शायर मादे से दो कलाम लेता है, एक वाक़े के अहम इशारे बयान करने का और दूसरा उसके आदाद से वाक़े का साल जाहिर करने का। इसलिए बसा औकात ऐसा मादा हासिल हो जाता है जो हर लिहाज से मुनासिब हो, लेकिन उसके कुछ अदाद बढ़ या घट जाने की सूरत में भी शायर मादा तो वही रख लेता है मगर उसी शेर में ये इशारा कर देता है कि कितने अदाद का इजाफ़ा करना है या हजफ़ करना है। इसी इजाफ़ा करने को शेर इस्तिलाह में ताइमिया कहते हैं। ठीक है, और हजफ़ करने को शेर इस्तिलाह में तखरजा कहते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा और ये लंबा चौड़ा वही बात लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं, मादे तारीख किसे कहते हैं, ये आठवां सवाल है। तो जवाब में लिखा है कि क़त्ल तारीख की कामयाबी के लिए एक अहम शर्त यह है कि इससे मुताल्लिक़ वाक़े की वजाहत भी हो जाए और उसके अदाद जोड़ने से वाक़े का साल भी बरामद हो जाए। इस फ़न के ज़रिए गो तारीख गो ऐसा मिसरा जुमले या फकर तरतीब देता है जिसके हरूफ के अदाद जोड़ने से उस साल की तारीख बरामद होती है जिस साल वह अहम वाक़ रोनमा हुई। इस तरह के मिसरे जुमले या फकर को मादे तारीख कहते हैं। तारीख गोई एक मुश्किल मगर दिलचस्प फ़न है। तारीखी नुक्ते नज़र से इसकी अहमियत इसलिए मुसल्लम है कि तारीखें आम तौर से उसी ज़माने में कही जाती हैं जिस ज़माने में वाक़ रूनमा होता है। इस तरह मुतालिक वाक़ और मादे तारीख की दरमियान ज़्यादा वक्फ नहीं होने के सबब सन में शक की गुंजाइश नहीं के बराबर होती है। हालांकि यह भी दुरुस्त है कि बहुत सी तारीखें वाक़ रोनमा होने के बहुत बरसों बाद भी कही गई है, लेकिन ऐसी मिसालें कम हैं। क़त्ल तारीख के सिलसिले में याद रखना चाहिए कि हर मादा तारीख मुकम्मल हो या ज़रूरी नहीं। शायर मादा से दो काम लेता है, एक वाक़े के अहम इशारे करने बयान करने का और दूसरा उसके अदाद से वाक़े के साल जाहिर करने का। इसलिए बसा औकात ऐसा मादा हासिल हो जाता है कि जो हर लिहाज से मुनासिब हो, लेकिन उसके कुछ अदाद बढ़ या घट जाने की सूरत में भी शायर मादा तो वही रख लेता है मगर उसी शेर में यह इशारा कर देता है कि कितने अदद का इजाफा करना है या हजफ करना है। ठीक है, ये हो गया आंसर। अब यहाँ से लास्ट चैप्टर का क्वेश्चन आंसर स्टार्ट हो रहा है जो कि चैप्टर नंबर 27 है। मीरा ने इसका लिखा हुआ मरसिया यारब चमने नज़म को गुलजार ए रंग कर।
मुख्तसर तरीन सवालात यानी कि वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहला सवाल, मीर अनीस का पूरा नाम क्या है? मीर बबर अली अनीस। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है। दूसरा सवाल, मर्सी की तमीद को क्या कहते हैं? ये भी, इस पर भी मैं स्टार लगा दे रही हूँ, ये भी बहुत बार पूछा गया है। मर्सी की तमीद को क्या कहते हैं? चेहरा कहते हैं, याद रखना है आप लोगों को। तीसरा सवाल, मीर अनीस के एक हम असर का नाम बताइए। तो उनके एक हम असर का नाम मिर्ज़ा सलामत अली दबीर है, ठीक है। चौथा सवाल, उर्दू के पहले मर्सिया का नाम क्या है? उर्दू के पहले मर्सिया का नाम है नौसरहार। ये हर एक चीज़ में आप लोगों को चैप्टर पढ़ाई हूँ तो बताई हूँ, आप लोगों को याद भी होगा। सवाल नंबर 5 की मर्सिया किस लफ्ज़ से मुश्तक है? तो मर्सिया जो लफ्ज़ है ना वो रेसा से मिलकर बना हुआ है, यानी कि मर्सिया लफ्ज़ रेसा से मुश्तक है, ठीक है। अनीस का ताल्लुक किस दबिस्तान से है? तो लखनऊ दबिस्तान से है। सातवां सवाल की अनीस के असलाफ में किस मसनवी निगार का नाम आता है? तो अनीस के असलाफ में मीर हसन मसनवी निगार का नाम आता है, मीर हसन, याद रखना है, मीर हसन मसनवी निगार का नाम आता है। अब मुख्तसर सवालात यानी कि शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। पहला सवाल है कि मर्सिया की अजजाए तरकीबी क्या है? अजजाए तरकीबी का मतलब आप लोग समझते हैं, मतलब कि मर्सिया में क्या चीज़ होना चाहिए जिसकी वजह से मर्सिया पहचानी जा सके, मतलब जो चीज़ मर्सिया में होना ज़रूरी है, एकदम ज़रूरी, उसी को कहते हैं अजजाए तरकीबी। तो देखिए, मर्सिया की अजजाए तरकीबी मंदरजा ज़ैल है। पहला है चेहरा, मतलब मर्सिया जो है ना उसका अजाय तरकीबी पहला क्या है? चेहरा। इस हिस्से में अमूमन हमद, नात, मुनकबत और मनाजात वगैरह तमहीद के तौर पर बयान किए जाते हैं। मर्सिया का सबसे पहला अजाय तरकीबी क्या है? चेहरा, यानी कि स्टार्टिंग हमद, नात या फिर मुनकबत या फिर मनाजात से होना चाहिए मर्सिया की, ठीक है, यानी कि तारीफ़ बयान करते हुए अल्लाह ताला की, या फिर नात में किसकी तारीफ़ बयान की जाती है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो स्टार्टिंग आप लोगों को तारीफ़ से करनी है मर्सिया की, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद से दूसरा क्या है? सरापा। इस हिस्से में मर्सिया के हीरो की कद्र व कामत और खाल व ख़त वगैरह का जिक्र होता है। तीसरा है रुखसत, हीरो का हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु से जंग में जाने के लिए इजाज़त लेना शामिल है, ठीक है। उसके बाद से चौथा है आमद, हीरो का घोड़े पर सवार होकर शान और शौकत के साथ दजमगाह में आना। पांचवा है रिजिज, पांचवा क्या है? रिजिज, हीरो की ज़ुबान से अपने नस्ब की तारीफ और फन जंग में अपनी महारत का इजहार करना, ये पांचवा क्या है? जाय तरकीबी है। उसके बाद से छठा है जंग, हीरो को किसी नामी पहलवान से या दुश्मन की फ़ौज से बहादुरी के साथ लड़ना है। सातवां है शहादत, हीरो का दुश्मनों के साथ ज़ख्मी होकर शहीद हो जाना। और आठवां है बीन, हीरो के लाश पर उसके अजीज़ों खसूसन औरतों का रोना वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये आठों चीज़ें जो है ना, ये आठ अजाए तरकीबी हैं मर्सिया के। आगे बढ़ते हैं, दूसरा सवाल, अनीस मर्सिया में किस तर्ज तहरीर से काम लेना चाहते हैं? तो मीर अनीस के तर्ज तहरीर में सलासत, रवानी, शगुफ्तगी और फसाहत की देगर लवाजम इस कदर नुमाया है कि उनके बयान करने और उनकी तरफ मतवज्जा करने की कोई ख़ास ज़रूरत महसूस नहीं होती। खसूसन मीर के कलाम में फसाहत इस दर्जे नुमाया है कि उनका कोई मुखालिफ भी इस हकीकत का इनकार नहीं कर सकता। वह एक मिनट रुक जाए। खसूसन मीर के कलाम में फसाहत इस दर्जे नुमाया है कि उनका कोई मुखालिफ भी इस हकीकत को इनकार नहीं कर सकता है। बिल्कुल सही बात है, यह हकीक व नाजुक ख्यालात को आसान लफ्ज़ों में इस तरह अदा कर देते हैं कि ज़ाहिर बीन निगाहें मज़मून की जिद्दत और बारीकी तक नहीं पहुंच सकती। ये आप लोगों को क्या हो गया, अनीस के मर्सिया जो है ना, किस मतलब ये अपने मर्सिये में जो भी ख्यालात का इजहार करते हैं, मतलब जब ये तहरीर करते हैं तो इनके तहरीर करने का तरीका क्या है, क्या क्वालिटी है, ये आप लोगों को बताना था। और ये हो गया आंसर। तीसरा सवाल है कि इस अहद में सब कुछ है पर इंसाफ नहीं है, अनीस दर्ज ज़ैल बाला मिसरे क्यों रकम करते हैं? अपने सबक के हवाले से जवाब दीजिए। अनीस अपने
मिस्रे में कहे हैं कि इस अहद में सब कुछ है पर इंसाफ नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ ये आप लोगों को बताना है। जवाब में लिखा है कि पेश नज़र मिस्रा, इस अहद में सब कुछ है पर इंसाफ नहीं है। मीर अनिस के ज़ेर निसाब मरसिया के छठे बंद से माखूज है, बिल्कुल सही बात है। और इस बंद में शायर मीर अनिस ने अपने तई दुनिया की नाकदरी का शिकवा किया है। चुनांचे शायर खुदा से मुखातिब होकर कहता है कि आज की दुनिया में लोगों का जहन आलूदा हो चुका है, इस तरक्की याफ्ता दुनिया में सब कुछ है मगर इंसाफ नहीं है। इस तरह इस मिश्रे में शायर ने अपने साथ नाइंसाफी का गिला किया है, ठीक है। चौथा सवाल, मिस्रों में लफ्ज़ों की तरतीब दुरुस्त कीजिए। अब यहाँ पर गलत दे दिया गया है और इसको आप लोगों को सही तरतीब में सजाना है। सौ रंग का मज़मून हो तो एक फूल से बांधो, जी नहीं, एक फूल का मज़मून हो तो सौ रंग से बांधो, ये है सही मिस्रा। तो इसको तरतीब दे दिया गया है, सही सजा दिया गया है। चमन नज़म को यार गुलजार रम कर, जी नहीं, यारब चमन नज़म को गुलजार रम कर, ये सही मिस्रा है। उसी तरह सब कुछ है पर इंसाफ इस अहद में नहीं है, नहीं ये गलत है। इसका सही मिस्रा क्या होगा, इस अहद में सब कुछ है पर इंसाफ नहीं है, ठीक है। तवील सवालात स्टार्ट हो रहा है, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। सबसे पहला सवाल कि अनीस फन मर्सिया के मिराज हैं, इस कौल की कबूल यारों में दलीलें दीजिए। अनीस जो है ना फन मर्सिया में यानी कि मर्सी लिखने की कला में इनको शोहरत हासिल है, तो इस कौल के कबूल यारों में दलीलें देना है और इनके बारे में लिखना है। तो देखिए, मीर बबर अली अनीस को शायरी वर्षा में मिला है, ठीक है। उनके दादा जो है ना मीर हसन उर्दू के सबसे अहम मसनवी सहरुल बयान के मुसन्निफ हैं, याद रखिएगा। मीर बबर अली अनीस के दादा का नाम क्या है, मीर हसन, जो कि कौन है जिन्होंने मसनवी सहरुल बयान लिखा है, उसके राइटर हैं मीर हसन, और मीर हसन मीर बबर अली अनीस के दादा हैं, ठीक है। मीर खलीक मीर अनीस के वालिद थे, मीर अनीस फैज़ाबाद में पैदा हुए और होश संभाला तो घर में मरसिया गोई का चर्चा देखा। जब ये होश संभाले तो देखे कि सभी लोग हमारे घर में मरसिया ही लिखते हैं। और मीर अनीस से शायरी की इब्तिदा गज़ल से की, लेकिन बहुत जल्द गज़ल छोड़कर मरसिया लिखने लगे। ये शायरी की इब्तिदा गज़ल लिखने से किए थे, लेकिन गज़ल छोड़ दिए लिखना और मरसिया कहने लगे। अनीस की सबसे बड़ी खूबी उनकी कादर अल कलामी है, अपनी इसी खूबी की बिना पर उन्होंने उर्दू मरसिया की फ़न को बाम उरूज पर पहुँचा दिया, और इसीलिए दुनिया शायरी में इन्हीं को फ़न मरसिया की मिराज कहते हैं। अनीस के बारे में यह कौल 100% दुरुस्त है। इसकी वजह यह है कि मीर अनीस नाजुक ख्यालात, लतीफ़ जज्बात और मुश्किल फ़लसफ़ा को सीधे साधे अल्फाज में इस बर्जिस्तगी और बेतकल्लुफ़ी से बयान करते हैं कि हैरत होती है। बिल्कुल सही बात है, जितना भी मुश्किल फ़लसफ़ा हो या फिर मतलब ये इसलिए बताया जा रहा है ना कि मीर अनीस को फ़न मरसिया का मिराज क्यों कहते हैं। ये इसलिए कहते हैं क्योंकि ये मतलब नाजुक ख्यालात, लतीफ़ जज्बात और मुश्किल फ़लसफ़ा को भी सीधे साधे अल्फाज में इस बर्जिस्तगी और बेतकल्लुफ़ी से बयान करते हैं कि हैरत होती है, और फिर सुनने वाले के दिलो दिमाग पर जो असर पैदा करना चाहते हैं उसमें वह कामयाब रहते हैं। वाक़िया निगारी पर अनीस को पूरी कुदरत हासिल है, वह किसी वाक्य को सिर्फ उनके जज्ज़ात का बयान करते हैं जिससे पूरी वाक्य आंखों के सामने आ जाए। एक मशहूर अपनी तस्वीर में कहीं हल्के रंग का इस्तेमाल करता है और कहीं शोख रंग, शायर यही काम अल्फाज और जज्ज़ात के इंतखाब से लेता है। बाद जज्ज़ात को नज़रअंदाज कर देता है और बाज को अजमाली तौर पर बयान करता है। ज़ुबान व बयान के मामले में तो मीर अनीस का मुकाबला कोई और मरसिया निगार या मरसिया गो नहीं कर सकता। उनके कलाम में जो सलासत, रवानी, फसाहत, बलागत और शगुफ्तगी है वह उन्हीं का हिस्सा है। दबिस्तान लखनऊ में रियायत लफ्जी का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन बहुत एतदाल और तवाज़ुन के साथ। अनीस के कलाम में यह सिफत कहीं ऐब नहीं है, बल्कि उससे बयान में और हुस्न पैदा हो गया है। वह जैसा भी ख्याल जाहिर करना चाहते हैं उसकी मुनासिबत से ऐसे अल्फाज का इंतखाब करते हैं जो अपने आवाज़, अपने रब्त बाहमी और अपने मुताल्लुकात मानवी से इस ख्याल का कामिल तर्जुमानी करते हैं। और इस तरह यह कहना बिल्कुल दुरुस्त है कि मीर अनीस फ़न मरसिया के मिराज है, ठीक है।
दूसरा सवाल, मजहबी अंसुर की शमूलियत के बावजूद सिर्फ मर्सिया का जवाल क्यों हुआ? तो मजहबी अंसुर के शमूलियत के बावजूद सिर्फ मर्सिया का जवाल क्यों हो गया, इसके इसबाब को जानने के लिए मर्सिया की इरतकाई तारीख पर सरसरी निगाह डालने की ज़रूरत है। दक्कन के सरजमीन में 16वीं सदी के आगाज़ से ही उर्दू मरासी के आसार मिलने लगे थे, यानी कि उर्दू मरसे लिखने के आसार मिलने लगे थे। सैयद शाह अशरफ बियाबानी के मसनवी नौ सरहार को आमतौर से उर्दू का पहला मरसिया कहा जाता है। शाह मिरंजी के वफात पर बुरहानुद्दीन नाजानिम ने एक मरसिया लिखा था। मोहम्मद कुली कुतुब शाह, मुल्ला वजही और नुसरती तीनों के दवावीन में मरसिया मौजूद है। मिर्ज़ा बीजापुरी ने वाक़यात करबला को बुनियाद बिना के मरसिए लिखे और दक्कन के अहम मरसियागो के तौर पर तस्लीम किए गए। दिल्ली में 18वीं सदी के इब्तदा में मुतादद मरसिया निगार मिलते हैं, लेकिन सौदा की अहमियत इस वजह से ज़्यादा है क्योंकि उन्होंने मिरासी के लिए मुसद्दस की हैयत का पहली बार इस्तेमाल किया है। बाद के मरसिया निगार ने इस हैयत को पसंद किया और तमाम मिरासी कम वेश गुज़श्ता 250 बरसों में मुसद्दस की हैयत में ही लिखे गए। मरसिया के लिए सबसे ज़रखेज़ औद के सरजमीन में साबित हुई, जहाँ ज़मीर दिल गैर, मीर मुस्तहसन खलीक और फिर अनीस व दबीर ने इस सिंफ को तरक्की की इंतहाई मंजिल पर पहुँचा दिया। अनीस व दबीर की कोशिशों से ये सिंफ मरसिया मुल्क के तवील व उरूज में फैली और दोनों असाजा और इस ज़माने के नवाबीन ने मरसिया गोई और मरसिया ख्वानी के मुस्तकिल अहमियत का हामिल बना दिया। मरसिया गो जवाल पजीर होने के ख़ास दो असबाज थे। एक यह कि मरसिया को शहादत इमाम हुसैन और मसाहिब अहल बैत को शेर में नज़्म करने का काम मरसिया हो गया और इस तरह सिंफ मरसिया ख़ास मौजू तक महदूद हो गया, जो उसके जवाल की फितरी वजह है। मरसिया के जवाल की दूसरी वजह यह है कि मरसिया के मौजू को महदूद कर देने की वजह से शिया हजरात ने इसे इबादत और कार्य सवाब समझकर मरसिया लिखा। जाहिर है कि सुन्नी हजरात को इन अकायद से दिलचस्पी न थी, इसलिए इन हजरात ने मरसिया निगारी को शियों की इबादत समझकर इसे सिर्फ से सिर्फ नज़र कर लिया। जाहिर है कि मरसिया को ना वसीयत मिली ना वक़दरदा मिले, नतीजा यह हुआ है कि सिर्फ मरसिया रफ्ता रफ्ता जवाल पजीर हो गया। ठीक है, ये हो गया आंसर। तीसरा सवाल कि अनीस की मंजर निगारी पर एक मज़मून लिखें। अनीस जो मरसिया लिखते हैं तो उसमें मंजर निगारी इनका किस तरह से है, किस तरह से लिखते हैं, मंजर निगारी पर आप लोगों को मज़मून लिखना है। जवाब में लिखा हुआ है कि मरसिया निगारी में मैदान जंग के वाक़ात का बयान हकीकत में वाक्य निगारी और मंजर निगारी के ज़ुमरे में ही आते हैं, लेकिन चूंकि ये ख़ास बयान अनीस के यहाँ कसरत से मिलता है और इसकी अक्सर मरसियों में जंग के मनाजिर बड़ी तफसील के साथ दिखाए गए हैं, इसलिए मीर अनीस को मंजर निगारी के बाब में महारत हासिल है। मंजर निगारी का कमाल अमूमन समझा जाता है कि मंजर की लफ्जी तस्वीर ही असली मंजर है, असली मंजर से इस कदर मुताबकत रखती हो कि तस्वीर से असल का लुत्फ़ हासिल हो, लेकिन हकीकत में मनाजिर की तस्वीर को बिल्कुल असली शक्ल में दिखाना शायर का कमाल नहीं है। बाकमाल शायर अपनी कौत तखयल से कुदरती मनाजिर में ऐसा तगैर कर देता है कि वह मंजर बिल्कुल फितरी तो नहीं रहता मगर खिलाफ फितरत भी नहीं मालूम होता और मंजर का बयान असली मंजर से ज़्यादा दिलकश और मौसर हो जाता है। अनीस ने सुबह की रौनक, शाम का सन्नाटा, बहार का जोश, गर्मी की शिद्दत वगैरह मनाजिर को अक्सर इस तरह बयान किए हैं कि उनके बयान में शायराना मंजर निगारी का यह कमाल मौजूद है। अनीस जंग का नक्शा भी अपने मिरासी में खूब खींचते हैं। पहलवानों की हैयत, उनके आमद की धूमधाम, रिजिस का शोर, हरीफों की दाव पेंच खूब दिखाते हैं और इस सिलसिले में शमशीर जनी, नेज़ाबाजी, तीरंदाजी और शहशवारी के तलाहों से अक्सर काम लेते हैं। हर वज़र्ब के कामों की ऐसी तस्वीर खींचते हैं कि मैदान जंग का नक्शा आँखों में फिर जाता है। तलवार की तारीफ़ के ज़मन में अमूमन शमशीर जनी के कमालात दिखाए जाते हैं, जो हकीकत में तलवार की नहीं, तलवार चलाने वाले की तारीफ़ होती है।
इस खसूस में भी मरसिया निगारी अनीस का कोई नज़ीर नज़र नहीं आता। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया आंसर। चौथा सवाल है कि दर्ज ज़ैल शेर की तशरीह कीजिए। वह गुलदस्ते मानी को नए ढंग से बांधूँ, एक फूल का मजमू हो तो 100 रंग से बांधूँ। इस शेर का तशरीह कर देना है, जवाब में दिया है, तशरीह किया गया है। देखिए, ज़ेर नज़र शेर में अनीस के ज़ेर निसाब मरसिया के तीसरे बंद से माखूज है। इस शेर में शायर मीर अनीस ने इस हकीकत को वाजा किया है कि वह अपनी शायराना फनकारी के ज़रिए एक एक फूल के मजमून को सैकड़ों तरीके से बांध सकते हैं। यहाँ उनकी रिवायत लफ्जी भी काबिल तवज्जा है। फूल के मुनासबत से रंग और गुलदस्ते जैसे अल्फाज का इस्तेमाल शायर ने किया है। इस शेर में मानवी गहराई इस कदर है कि इस शेर को ज़ेर निसाब मरसिया का मकसद कहा जा सकता है। ठीक है, पांचवा सवाल, दर्ज ज़ैल अल्फाज से जुमला बनाकर जिन्सियत जाहिर करें। जिन्स बता देना है कि मुज़क्कर है कि मुअन्नस है, ये सभी लफ्ज़ हैं। पहला है चमन, हिंदुस्तान वतन के साथ मेरा चमन भी है। समुंदर, समुंदर का पानी खाड़ा होता है, खाड़ा लिखा गया, खरा होता है। ठीक है, चमन क्या है? हिंदुस्तान वतन के साथ मेरा चमन भी है। चमन क्या है? एक मुज़क्कर है यानी कि पुल्लिंग है। समुंदर जो है ना, समुंदर का पानी, समुंदर भी क्या है? समुंदर भी मुज़क्कर है यानी कि पुल्लिंग है। समुंदर का पानी होता है ना कि समुंदर की पानी। ठीक है, मिट्टी जो है वो देखिए क्या है, हिंदुस्तान की मिट्टी जरखेज़ है। मिट्टी क्या है? ये मुअन्नस है यानी कि स्त्रीलिंग है। जोश, तुम्हारा जोश कालदीद है। चश्मा, इस गांव में पानी का एक चश्मा है यानी कि चश्मा क्या है? पुल्लिंग है, मुज़क्कर है। बुलबुल, इस चमन में बुलबुल परवाज करती है। मुअन्नस, आब व हवा, यहाँ की आब हवा मुअद्दल है। शमशीर, ग़ुलामी में शमशीर काम नहीं आती। तो यहाँ पर जिन्सियत जाहिर कर दी गई है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दूसरा सवाल, नीचे दिए गए लफ्ज़ के दो मुतरादिफ़ बताइए। दो मुतरादिफ़ लफ्ज़ लिखना है, जितने भी है ना नीचे दिए गए अल्फाज, ये मतलब ये जो अल्फाज है इनके मुतरादिफ अल्फाज लिखना है, यानी कि एक जैसा अर्थ रखने वाला दो अल्फाज लिखना है। तो देखिए, रब बोलिए, परवरदिगार बोलिए, फिर आका बोलिए। बात तो यही है, रब का मतलब क्या होता है? अल्लाह, खुदा। तो रब का दो मुतरादिफ लफ्ज़ ही लिखना था, यानी कि एक जैसा अर्थ रखने वाला लफ्ज़ लिखना था। तो पहला तो लिख दिया गया है परवरदिगार, और दूसरा लिख दिया गया है आका। उसी तरह क्या है, फल है, फल बोलिए, मेवा बोलिए, फिर सिमर बोलिए। बात एक ही है। शमशीर बोलिए, तलवार बोलिए, फिर तेग बोलिए। बात एक ही है। इनायत बोलिए, नवाजिश बोलिए, फिर मेहरबानी बोलिए। बात एक ही है। फलक बोलिए, आसमान बोलिए, सिपहर बोलिए। बात एक ही है। ठीक है, ये हो गया आंसर। सातवां सवाल, वाहिद से जमा बनाएं और जमा से वाहिद बनाएं। यहाँ पर कुछ ऐसे अल्फाज दिए गए हैं जो वाहिद हैं और आप लोगों को जमा बनाना है, और इसमें कुछ ऐसे भी अल्फाज हैं जो जमा हैं और उनका वाहिद आप लोगों को बनाना है। देखिए, साहब दिया गया है, साहब का जमा होता है, साहब एक वाहिद लफ्ज़ है यानी कि एक वचन है। इसका बहुवचन यानी कि प्लूरल होगा एसहाब। इतराफ़ जो कि एक जमा लफ्ज़ है यानी कि बहुवचन है, अब इसका वाहिद यानी कि सिंगुलर बनाना है, एक वचन, तो तरफ होगा। हकाम, हाकिम। खलक, अखलाक। ठीक है, उसी तरह हाल का अहवाल, आम का अवाम, रूह का अरवाह, उल्मा का आलिम, तस्वीर का तस्वीर। तो फाइनली यहाँ पर हो जाता है क्लास ट्वेल्थ के उर्दू का चार चैप्टर, यानी कि 24, 25, 26, 27 चैप्टर तक सारा क्वेश्चन आंसर कंप्लीट। और ट्वेल्थ क्लास के उर्दू में तो टोटल 40 ही चैप्टर है ना, 40 चैप्टर में से आज के इस वीडियो में 27 चैप्टर तक क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गया, और बचा कितना, 13 ही चैप्टर मात्र बचा हुआ है, और उसको भी हम लोग बहुत जल्द कंप्लीट कर लेंगे। और उसके बाद से स्टार्ट होगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का लाइव। जी हाँ, लाइव में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगी, और उसके लिए आप लोगों को इंतज़ार करना पड़ेगा। जैसे ही ये कंप्लीट होगा ना, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रही हूँ, जैसे ही कंप्लीट होगा वैसे ही मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का लाइव स्टार्ट कर दूंगी। डेट और टाइमिंग आप लोगों को बता दिया जाएगा पहले ही, कम्युनिटी देखते रहिएगा, कम्युनिटी में पोस्ट कर दिया जाएगा। और ये मैं आप लोगों को पहले ही बता दी ताकि आप लोग पहले से ही दिल थाम कर बैठे, पहले से ही बी रेडी रहें लाइव क्लास करने के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, और पहले से ही अपनी कुर्सी की पेटी बांध कर रखें। बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, प्यार चाहिए। ये आप लोगों का सपोर्ट ही हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देता है, इसीलिए आप
लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अभी तक आप लोग शेयर नहीं किए हैं तो शेयर कर दें ताकि सभी लोग इस वीडियो का लाभ उठा सकें और सभी लोगों का भला हो। चैनल पर अगर आप लोग नए नए आए हुए हैं, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबा लेना है ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज़।